नमस्कार। आज हम आपको रुद्राक्ष की कहानी बताएंगे कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। रुद्राक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। इसके उत्पत्ति के पीछे एक पौराणिक कथा है जिसे पुराणों में पाया जाता है। रुद्राक्ष का संबंध भगवान शिव से है। रुद्राक्ष शब्द रुद्र और अक्ष से मिलकर बना है। रुद्र का मतलब है आंसू और भगवान शिव का दूसरा नाम भी रुद्र है और उनके आंसू से बना है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का बहुत ही महत्व है शिव पूजा में। एक बार कई हजारों सालों तक भगवान नीलकंठ घोर तपस्या में लीन थे। जब उनकी आंखें खुली तो उनका मन दुखी हुआ। उनकी आंखों से आंसू की बूंदें धरती पर गिरी। जहाँ जहाँ उनके आंसू गिरे वहाँ रुद्राक्ष पेड़ उग गए। इस तरह हम रुद्राक्ष माला देखते हैं वे उसी पेड़ से उत्पन्न हुई है। भगवान शिव के रूप में देखने पर आपको ये पाएंगे उनके शरीर में दो चीजों के ही आभूषण होते हैं। भोलेनाथ का एक आभूषण है नाग और दूसरा रुद्राक्षी माला।